Ambassador of India to Djibouti, Shri Anurag Srivastava ji, Honorary Consul Shri Nalan Kothari ji, मेरे साथ में मेरे टीम में श्री अजय टंका जी जो MOS टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं, हमारे उनके साथ में चार मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, श्री वीरेंद्र सिंह जी ईएसना उत्तर प्रदेश, श्रीमती रूपा गंगोली जी श्री कांसना वेस्ट बंगाल, श्री भुवनेश्वर कालिका जी श्री कांसुराम असम और श्री राकेश सिंह जी श्री कांसुराम मध्य प्रदेश। यहाँ पर बैठे हुए सभी मेरे भारतीय वंशज के बहनों और भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब बच्चों का मैंने कल्चरल प्रोग्राम देखा तो ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं किसी दूसरे मुल्क में हूँ, लग रहा था कि मैं हिंदुस्तान में हूँ। और इससे बेटर भी मुझे लगता है बार बार करते होंगे, लेकिन इससे एक चीज निकल करके आई। सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, गुड इवनिंग, आदाब, सस्याकाल, वणक्कम, व्हाटएवर बी द फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग एवरीबॉडी। लेकिन इन बच्चों के जो निकल करके आया, दैट इज द भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में कोई जब मेहमान आता है तो उसका स्वागत करते हैं, और ये स्वागत की परंपरा यद्यपि विदेशों में भी है, लेकिन विदेशों की जो परंपरा है और अपने भारत की परंपरा, दोनों में अंतर होता है। एक दिल से स्वागत होता है, एक औपचारिकता में स्वागत होता है। बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता था कि आप सब लोगों से बात करूं, लेकिन मुझे ही सीधे बता दिया गया कि आपको ये बोलना है। कल मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने पूछा कि यहाँ का कंपोजिशन क्या है, तो बताया गया कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे गुजरात से हैं, अभी दूसरे प्रांतों से भी आ गए धीरे धीरे, और वो एक सभी में एक राष्ट्रभक्ति है। जब गुजरात की बात हुई तो मुझे लगा कि मैं, मेरा सौभाग्य था कल बापू का जन्मदिन था 2 अक्टूबर, मैं कल दिल्ली और दिल्ली में राजघाट समाधि पर गया, उसके पश्चात फिर मैं पूर्व गया, वहाँ पर बापू की स्मृति को नमन किया। एक और कार्यक्रम था जूनागढ़ में मंगलोर, वहाँ पर एक कार्यक्रम था फिसरमैन का, वो अटेंड किया। वो एकदम से याद ताजा हो गई जब कहा गया कि कंपोजिशन में हमारे बच्चे जुड़े हैं हमारे यहाँ पर। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आप सबसे, कहीं पर भी नहीं है खाना कमाना, लेकिन अपनी जो जड़ें हैं उन जड़ों को हमें छोड़ना नहीं है। ये आर नॉट टू इग्नोर आर आइसोलेट अवर रूट्स, कहीं पर भी है, हमारा विलेज लेवल का हो, हमारा शहरी लेवल का हो, हमारे वहां पर रिश्तेदार हों, हो सकता है आपका भी कोई फैमिली में ना हो यहाँ आ गया हो, बट वी हैव टू मेंटेन अवर ट्रेडिशंस। इंडियाज इकोनॉमी इज फास्टिंग वेरी फास्टर एंड इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर इन वेरी फ्यू ईयर्स। और मुझे लगता है कि शायद उस समय रूट्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, उस समय शायद You all will feel more elevated. Yes, मेरी रूट्स उस देश में है जहाँ का आज जो देश है वो एक इकोनॉमिक सुपरपावर बन गया है, तो इसलिए अपनी रूट्स को छोड़ना नहीं है, उनको जरूर बनाया जाना, हो सके साल दो साल चार साल एक बार जरूर जाना है, मिलना है 15 दिन 20 दिन 1 महीने के लिए रुकना है
फिर घूम करके अपने देश में और आ जाइए. फ्रेंड्स, आई रियली फील प्रिविलेज टू मीट एंड दैट इज अवर प्रवासी फैमिली इन जिबूती. आई एम ओवरवेलम्ड बाय योर वार्मथ एंड अफेक्शन. इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट जिबूती. जब मुझे बताया गया कि आज तक किसी भारतीय राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री का यहाँ आना नहीं हुआ, तो देन आई टुक ए कॉन्शियस डिसीजन कि आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो मैंने जब पूछा कि भाई अफ्रीकन कंट्रीज में जाना है तो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर कि कोई हमारे देश का भी कोई ना गया हो, तो जब बताया गया कि साहब ये आपका जिबूती है, उसके बाद इथोपिया है, इथोपिया में तो गए, लेकिन इथोपिया में भी पिछले 40 to 45 ईयर्स पहले जो है वो राष्ट्रपति जी आए थे, उसके बाद में मिनिस्ट्रियल लेवल का टॉक्स और विजिट्स होती रही. मुझे आई फील रादर प्राउड टू बी हियर एज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट. इट इज आल्सो माय फर्स्ट विजिट आउटसाइड इंडिया आफ्टर बीइंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट. दिस इज नो कोइंसिडेंस बट अ कॉन्शियस डिसीजन ऑन आवर पार्ट. आवर रिलेशंस विद दिस ब्यूटीफुल कॉन्टिनेंट हैव अ स्पेशल प्लेस इन आवर हार्ट्स एंड वी रिमेन एवर कमिटेड टू डीपन आवर फ्रेटरनल bonds with the African people. Friends, as I speak about India, India is a special and enduring partnership with Africa. I am reminded of our greatest Pravasi, Mahatma Gandhi. कहा जाता है कि महात्मा गांधी सबसे पहले प्रवासी भारतीय और whom this continent was a sacred land, for it was here that he महात्मा. और आज जब प्रधानमंत्री यहाँ के हमें मिले तो बात करते करते गांधी जी के जो स्टेचू था वहाँ पर भी क्या उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए. रास्ते में बात कर रहा था तो मैंने नेल्सन मंडेला की बात की, तो उन्होंने कहा कि जितना अफ्रीका में हम नेल्सन मंडेला से भी अधिक जो है बाबू को मानते गांधी जी को. और गांधी जी के लिए वो कह रहे थे कि इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें हिम्मत दिलाई थी, इतना हमें साहस दिया था. गांधी जी ने अफ्रीका में आकर के काम किया, उसके बाद फिर हिंदुस्तान का प्रश्न है, देश आजाद हुआ, लेकिन जो उनकी जो वाइब्रेशंस और जो उनका उन्होंने हौसला हमें बढ़ाया वो हम सबके लिए वो बहुत काबिल-ए-तारीफ था. वो बहुत वेरी अप्रिशिएटिव आपका गांधी जी. This this afternoon, shortly after I landed in Djibouti, had the honor to pay my respects to Mahatma Gandhi, the father of our nation. This was even more special for I did so at the National Mandela Square. Remembering two of the greatest leaders who have ever walked this earth, and that too together, was truly a humbling experience. I could not have begun my visit to Africa more profoundly. Friends, historical links and people-to-people contacts have existed between India and Djibouti since times immemorial. The stories of our ancestors dwelling in the Babel Manda are too well known. They bonded with Somali and Afar traders and exchanged ideas and commerce with Arab merchants. I recount this tale to tell you how strong our maritime connect with Africa once was. We must now try to rediscover this shared history and identity. हमारे जिबूती के साथ बहुत पुराने ताल्लुक सदियों का. जब मुझे बताया गया कि किसी ज़माने में इंडिया से हम स्पाइसेस मसाले और सिल्क भेजा करते थे, उस समय इस प्रकार का सिस्टम नहीं था, बार्टर सिस्टम था. और यहाँ से इस आइलैंड से और जो ये आपका जिबूती
से हम लोगों को गोल्ड और डाल की कैरेक्टर्स इस प्रकार के जो इस सदियों पुराने आते हैं अभी उसी के मेरी टाइम और जो ट्रेड पार्टनरशिप की जो हम लोग बात कर रहे हैं मुझे लगता है ये आज मैंने जब अपनी बिगनिंग में प्रधानमंत्री जी को भी कहा कि वी आर गोइंग टू ओपन अ न्यू चैप्टर इन अवर बायलेटरल इकोनॉमिक रिलेशंस एंड ही वाज टू हैप्पी. टेररिज्म से यहाँ के लोग भी परेशान हैं, हमारा देश भी परेशान है, पड़ोसियों से यहाँ भी परेशान है. सबसे बड़ा जो एक जिसके लिए हम इस देश के आभारी हैं जिसमें कि हमारा ऑपरेशन का हाथ हुआ था अभी 2 साल पहले यमन में जो घटना हुई वहाँ से हम लोगों ने भारतीयों को और भारतीयों के अलावा दूसरे कंट्री से लोगों को बचाया, इवैक्यूएट किया, वो बहुत बड़ी बात थी और मुझे लगता है उसमें आप सबका भी बहुत बड़ी भूमिका थी. मैं उसके लिए आज मैं यहाँ पर इस मंच से आप सब लोगों को बधाई और मैं थैंक यू बोलना चाहता. Friends, our historic ties with Djibouti have given much comfort in building a multi-faceted partnership, and while we have done our best to enhance our government-to-government relations, all of you present here have been the real champion of this partnership. I say this because I know that in whatever capacity you have made Djibouti your home, be it as traders, as professionals, or as skilled workers, you have shown a spirit of selfless and dedicated service to the people around you. You have, while preserving your traditions, family values, and strong work ethic, adapted very well in your adopted home, become pillars of support for the local community and a source of pride for us. And while you celebrate and preserve your fairs and festivals, you must also smear your color and beauty on your Djiboutian friends. You must share your culture and your stories with them also. Someday, I would like to join you in Djibouti to splash the color of Holi or to the light of Aarti of Noraji. I hope I can count on your invitation. अभी तो इंडिया में हम सब लोग देखते हैं गरबा का फेस्टिवल चल रहा है. अभी नवरात्रि समाप्त हुई, वहीं हमारे पश्चिम बंगाल की जो बहन बैठी हुई है वहाँ पर दुर्गा पूजा वो इतने शानो शौकत से दो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं हिंदुस्तान में बहुत काबिल बात. और अभी गुजराती भाइयों के लिए तो ये महीना हमारा जो अक्टूबर का महीना है बहुत से महत्वपूर्ण महीना है. अभी ठीक 14 दिन बाद मुझे लगता है 14 दिन बाद अभी आपका नूतन वर्ष आने वाला है जिसको इंडिया में हम सब लोग दिवाली के रूप में मनाते हैं. वी इंडियंस टेक मच प्राइड इन अवर लैंग्वेजेस बी इट गुजराती, पंजाबी, तमिल, मलयालम और हिंदी. आई एम ट्रूली इलेटेड that the Indian school here is passing them on to your younger generations. और उसका मैंने आज एग्जाम्पल देखा है बच्चों के माध्यम से. Friends, my message to you is that while we have a minister or grassroots to represent our government, all of you here are Rashtradoot, are representative of our nation. Rashtradoot एक होगा लेकिन राष्ट्रदूत आप सब हैं यहाँ पर. और फिर कौन से राष्ट्रदूत? एवरी इंडियन अक्रॉस द वर्ल्ड इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एज ही आर सी इज द वन हु हेल्प्स द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड इंडिया इट्स इथोस एंड इट्स कैंपेन. The rise of India is opening new opportunities for collaborations. Our diaspora has an important role in building bridges between India and the world.
India is on a high growth trajectory. There is optimism and excitement in our country. We have undertaken to transform the lives of ordinary people, not in the distant future, but by 2022, when we celebrate 75 years of our independence. Through digital technology, innovation, and clean energy, we want to leapfrog in our developmental pathway, from high-speed rail to high-speed fiber optic. We want to provide the best for our people. Our flagship programs, Swachh Bharat, Startup India, Digital India, and Make in India are making good progress. Our financial inclusion schemes like Jan Dhan Yojana has provided formal banking facilities to over 300 million poor people. Alongside economic empowerment, we are equally conscious of our social commitment. Our Jula scheme has so far provided clean cooking fuel to over 29 million rural women. Clean cooking fuel for them, it is the drudgery of collecting firewood and for inhaling killer fumes are now things of the past. Friends, we want to embrace and connect with our diaspora abroad more than even before. Through the use of social media, we have made it easier for the people to reach the government. As we have already mentioned, the evacuation of more than 5,000 Indian nationals together with 2,000 nationals of about 40 countries could not have been done without your support. I would like to especially commend the role of our honorary consul, Shri Nalin Kothari, and his team. I must tell you that Operation Rahat has given us enduring respect and recognition from the global community. I have come to Djibouti with a message of friendship and solidarity. I convey to the leadership the importance we attach to strengthening ties with this fraternal country. I am confident that my visit will open a new chapter of multifaceted cooperation between the two countries. I do invite you to partner us in the rise of New India, an India which is inspired by the vision of our founding fathers and is determined to realize the aspirations of its people. And as I do so, I am reminded of an African saying. Usme kaha gaya tha, if you want to walk fast, you walk alone. This is a very famous proverb. If you want to walk fast, you walk alone. But if you want to walk far, lambi duri ke rasta tay karna hai, then you walk together. And that is the message. I leave this thought with you. I thank you.